जाने जाने परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर नाम की एक दुकान पर कुछ अपराधकर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक राकेश कुमार सिंह, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई, जिसमें वो जख्मी हुए थे। वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत पुलिस अनुसंधान दल का गठन किया गया था। सभी इसके साथ इसमें 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर दिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है, जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, बहुत बड़ा अपराध कर भी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केसेस हुए हैं और ये मूल रूप से मथुरा पर शामिल कर। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और पता चला, ये जो लीडर राकेश कुमार क्योंकि इन्होंने चीन स्टैंड से रहा हालांकि रखने वाला ये वैश्वानी कारण नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। पटना में लगातार स्वर्ण व्यवसायी अपराधियों के निशाने पर पहुंच रहे हैं। लगातार पिछले दिनों हमने आपको राजीव नगर रोड नंबर 16 की तस्वीर दिखाई, जिसमें 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी गई। इस मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक कर लिया है और इसके मुख्य आरोपी पंकज शर्मा को भी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि पंकज शर्मा ने पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो ज्वेलरी हाउस के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके यहाँ राकेश शर्मा का बकाया पैसा बाकी था, जिसको वो लौटा नहीं रहे थे। सेवज में पंकज शर्मा ने स्वर्ण व्यवसायी पर गोली चला दी। अब सवालिया निशान यह खड़ा होता है कि आखिर अपराधी पंकज शर्मा का पैसा दुकान के मालिक राकेश कुमार सोनी तक पहुंचा कैसे। तो इसका भी उद्भेदन करते हुए पटना SSP ने बताया है कि पंकज शर्मा मूल रूप से चैन स्नैचिंग का काम करता था और वो लूटे गए सोना जेवरात को राकेश कुमार सोनी के दुकान में यानी कि सुहागन ज्वेलर्स में खपाते थे। पटना SSP ने बताया है कि इसकी जांच करेंगे और दुकान के मालिक राकेश कुमार सोनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों। परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान पर कुछ अपराधकर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और जिसमें वो जख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था CTSP साहब के नेतृत्व में। इसमें विद इन 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराधकर्मी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये मूल रूप से मथुरापुर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और उसके जो हम लोगों ने इंटरोगेशन किया उससे पता चला, ये जो ज्वेलर हैं राकेश कुमार सोनी, क्योंकि ये नॉन चेन स्नैचर रहा है, हालांकि रहने वाला ये वैशाली का है लेकिन अधिकांश इसका जो वो अपराध क्षेत्र है वो यहीं का रहने वाला है, पटना में करता है। तो जितना ही उनको हटा दीजिए, ले जाइए, इनका फोटो हो गया, ले जाओ। तो इसका जो अपराध क्षेत्र पटना का ही है, तो जितना भी जो चेन स्नैचिंग ये करता था, तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है, पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी इसमें उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बारी सफल नहीं हुआ था लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से यहाँ लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो मिल नहीं रहा था। इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग घटनास्थल पर चढ़े थे, उसमें एक गोविंदा कुमार नाम का शख्स है जो कि वैशाली जिला का रहने वाला, और इसके साथ जहाँ पे जाके ये घटना का पूरा षड्यंत्र रचा गया था और जिन्होंने हथियार सप्लाई किया है, 2 सहोदर भाई हैं प्रवीण कुमार उर्फ झुन्नू सिंह करके और उसका भाई है सुविंद कुमार उर्फ बंटी करके। इसमें टोटल 2 हथियार रिकवर हुए हैं जो कि प्रयोग हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुए हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं।
और इसमें जो एक हथियार रिकवर हुआ है लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, और जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसका मिसयूज किया जा रहा था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, और इसका शस्त्र उन व्यक्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो चार क्रिमिनल्स थे उसमें तीन अरेस्ट हो गए। हाँ, उसमें टोटल उसमें से तीन हो गए और बाकी अभी लोग वांछित हैं, और उसके अतिरिक्त षड्यंत्रकर्ता के रूप में दो लोग और अरेस्ट हैं। टोटल पाँच की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। बंटी सिंह का जो बंटी सिंह है, बंटी सिंह और झुन्नू सिंह, ये पंकज शर्मा के बहुत करीबी सहयोगी रहा है। इनफैक्ट बंटी सिंह और पंकज शर्मा दोनों एक साथ जेल गए हैं 2005 में एक अपहरण के कांड में। तो जब ये जेल से लौटा था और जो जैसे बेल के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और लॉजिस्टिक्स के लिए इसको हेल्प चाहिए, और घटना कारित करने के बाद भी उसी के घर में ही जाके छुपा था, और एक दिन पहले भी उसी के घर में जाके छुपा था। इसमें जो बंटी सिंह का मित्र है जितेंद्र सिंह करके हैं, तो जितेंद्र सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है, तो इसको जब हथियार की ज़रूरत पड़ी थी तो एक अपना लेकर गया था, और उस रिवॉल्वर को ये वहाँ से लेकर घटनास्थल पर खुद गया था वहाँ पर पंकज शर्मा। क्योंकि जो आपका शस्त्र अनुज्ञप्ति होती है वो केवल आपकी आत्मरक्षार्थ उसके लिए होती है, आप उसको किसी अपराधी के कृत्य के लिए किसी को दे नहीं सकते हैं। तो बंटी के माध्यम से उसको जितेंद्र से लिया गया था तो षड्यंत्रकर्ता के रूप में, और उसको वहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए और उसको शरण देने के लिए उसको इस कांड में गिरफ्तार किया गया। पंकज शर्मा उधार क्यों देता था पैसे एक बार ऐसे उधार राकेश कुमार सोनी को क्यों देता था? उधार नहीं देता था, जो चेन स्नैचिंग का जो काम करता था उसका जो चेन वगैरह वो उसी की दुकान पे जाके बेचता था, लूट का सोना वगैरह। और राकेश कुमार सोनी के यहाँ पे आज का नहीं, तकरीबन एक दशक से ही जब से है तब से वो कर रहा था। उसी में इसने बताया कि तकरीबन 40,000 रुपये इसका वहाँ पे फंसा हुआ था, जो इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इसका बहुत से कांड में बेल के लिए इसका पैसा खर्च हुआ था, और उसी में जब वो नहीं दे रहा था तो उसको इसने टारगेट किया था। लूट का सोना खरीदने पे जो दुकानदार है इसके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल, जो इसका कन्फेशन आया है उसके आधार पर इसका सत्यापन किया जा रहा है, और यदि बात की संपुष्टि होती है जो कि है तो उसके ऊपर अलग से हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।